जो अल्लाह से जितना ज्यादा डर करके जिंदगी गुजारेगा अल्लाह को नजदीक उतना ज्यादा बाइज्जत मुकर्रम महबूब होगा। और हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राजी होते हैं खुश होते हैं तो हजरत जिब्राइल से कहते हैं कि फला बंदा हमें महबूब है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह का हुक्म होता है, हजरत जिब्राइल उससे मोहब्बत करने लगते हैं और हजरत जिब्राइल तमाम फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं कि ये शख्स अल्लाह को महबूब है, तुम सब उससे मोहब्बत करो। और जब ये मरहला हो जाता है तो हदीस पाक में आता है हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए कबूलियत जमीन पर उतार देता है, जिसने उसको देखा सुना जाना वो भी मोहब्बत करता है और जिसने उसको देखा भी नहीं जानता भी नहीं वो भी उससे मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला उसकी महबूबियत जमीन से फैला करके समंदर तक पहुंचा देता है, हत्ता के समंदर की मखलूक मछलियां तक उससे मोहब्बत करती। तो दुनिया में इज्जत और मुकर्रम होने का एक मकाम दर्ज सबब और जरिया अल्लाह से डर करके जिंदगी गुजारना है, तकवा परहेजगारी के साथ जिंदगी गुजारना है।